नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे ठंडियों के लिए ठंडी ठंडी ड्रिंक। और इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए जल्दी से बनाते हैं इसे। और मैंने यहाँ पे 2 कप पानी लिया है, जिसे हम हल्का गर्म कर लेंगे। और पानी गर्म हो जाए तो हम इसमें 1 कप साबूदाना डाल देंगे। अब हम साबूदाना को लगातार चलाते हुए पकाएंगे, ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और जब तक हमें इसे पकाना है कि ये अच्छे से पक ना जाए। और इसी तरह हम साबूदाना को चलाते हुए इसे पका लेंगे। और देखिए, साबूदाना पक गया है। तो अब हम आँच को बंद कर देंगे और इसे नीचे रख लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक बाउल के ऊपर एक छन्ना लिया है, जिससे हम इसे छान लेंगे। तो इस साबूदाना के ऊपर अब हमें ठंडा पानी डालना है, ताकि साबूदाना एक एक रहे, चिपके नहीं। अब हमने इसे बाउल में निकाल लिया है साबूदाना को, और अब हम इसमें मिलाएंगे 1 बड़े कप दूध। और इसे चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे, इसमें गुल्ठे नहीं रहने चाहिए, इसे हमें बहुत ही अच्छे से मिलाना है। और इसे मिलाने के बाद मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क लिया है, जिसे मैं 4 चम्मच डालने वाली हूँ। और पूरे 4 चम्मच हमने इसमें कंडेंस मिल्क मिला दिया है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आप इसे बिना कंडेंस मिल्क के भी बना सकते हैं। दूध को पकाते हुए आप गाढ़ा कर लीजिए और फिर इसे बना लीजिए। और आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैंने बहुत ही सरल और आसान तरीके से इसे बनाया है, बहुत ही कम सामग्री में। और देखें, हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं रोज़ सिरप, तो ये भी मैंने 2 चम्मच लिया है। और इसे भी अच्छे से मिला देंगे। और बहुत ही बढ़िया गर्मियों के लिए ड्रिंक बनकर तैयार हो जाएगी। और इसे मिलाने के बाद अब हम इसे गिलास में डाल लेंगे। तो आप इसे ठंडा कर इसका पीकर इसका मज़ा ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ड्रिंक बन जाएगी ये। इसी तरह हम इसको गिलास में डाल देंगे। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अब मैं इसे थोड़े से बादाम और पिस्ता से गार्निश कर लेती हूँ। और गर्मियों के लिए ठंडी ठंडी ड्रिंक बनकर बिल्कुल तैयार है।